अच्छा फैन क्लब है। मुझे मतलब काफ़ी नर्वस होता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाओगे तो इस वो फिल्म कॉनेसर को दिखा रहे ना पिक्चर के मार भी सकते हैं वो तो इसलिए लेकिन काफ़ी नर्वस हूँ बट मुझे अच्छा लगता है ना कि फिल्म लवर्स जेन्युइनली कम टू वॉच मूवीज एट मामी तो आई एम वेरी हैप्पी टू दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर शेयरिंग द फिल्म विद पीपल आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल आर एक्चुअली सीइंग द फिल्म लाइक रियल यू नो द आउटसाइड ऑफ फैमिली पब्लिक सो वेरी नर्वस वेरी वेरी नर्वस आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन आई होप दे लाइक द फिल्म और ये जो ऑडियंस है ये बहुत सारी फिल्म्स देख चुकी है यू नो वर्ल्ड ओवर सो देर टफ ऑडियंस टू प्लीज बट आई थिंक देयर फीडबैक इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग हम एक्चुअली बहुत सालों से इस फिल्म का वेट कर रहे हैं मैंने एक्चुअली आइडिया सुना था विक्रम मोटवानी ने जब मुझे आइडिया बताया था मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने कहा भाई जल्दी बनाइए तो अब जाके रिलीज़ हो रही है और मामी इसके साथ जुड़ी हुई है तो मैं और भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि विक्रम हमारे लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट हैं मामी के और उनकी फिल्में ऑलवेज कुछ अलग लाती हैं जैसे ट्रैप्ड हमने मामी पे में जो दिखाई वो बिल्कुल ऑन द एज ऑलमोस्ट थ्रिलर था और उससे पहले उनकी फिल्म दोनों फिल्में काफ़ी यू नो टचिंग क्वाइट फिल्में थी लुटेरा और उड़ान तो हर बार वो कुछ नया लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए अपने फैंस के लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड और हर्षवर्धन भी एक नए टैलेंट हैं वो क्या करते हैं इस फिल्म में वो भी उसके उसको देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ थैंक यू सो मच भाविश के लिए कितने एक्साइटेड हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया था एंड विक्रम सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो विक्रम सर की कोई फिल्म मैं मिस नहीं करता गॉट अ चांस कि आज स्क्रीनिंग पे आ सकूँ तो मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट अब मैं अचानक से बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ सॉरी क्या के बारे में क्या कहना है छोटी से बड़ी मूवीज भी आती है आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट दैट मामी हमारे शहर में होता है एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल हो रहा है एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट यू नो द उनके ईयर राउंड प्रोग्राम्स होते हैं दे ब्रिंग पीपल क्लोजर टू सिनेमा क्लोजर टू फिल्म्स तो वो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा लगा बहुत थ्रिलिंग लगा एंड आई रियली कांट वेट कि ट्रेलर से परे फिल्म में क्या है थैंक यू